हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। यह सच है कि ESIC UDC के एग्ज़ाम के संबंध में सारे स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम SSC पैटर्न पर होगा या बैंकिंग पैटर्न पर। हर रोज़ लोग कमेंट बॉक्स में यह सवाल पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है और मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, एवं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर को ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कुछ कन्फ्यूज़न दूर होता है तो आप दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो हमारा कन्फ्यूज़न ये है कि जो ESIC का एग्ज़ाम होगा वो SSC पैटर्न पर होगा या बैंकिंग पैटर्न पर होगा। तो पहले हम लोग दोनों का पैटर्न समझ लेते हैं कि दोनों का पैटर्न है क्या। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे IBPS पैटर्न दिख रहा है कि ये IBPS पैटर्न में क्या होता है कि इसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होते हैं। और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी 30 होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 होता है, और रीजनिंग का 35 होता है। ये हमारा IBPS पैटर्न है। और इस पैटर्न की सबसे खास बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो टाइम है वो 20 मिनट दिया हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी 20 मिनट दिया हुआ है, रीजनिंग एबिलिटी का भी 20 मिनट दिया हुआ है। मतलब तीनों को 20-20 मिनट में बांट दिया गया है। आप इंग्लिश लैंग्वेज का जैसे ही वहाँ पर आपका क्वेश्चन शुरू होगा और 20 मिनट के बाद आपको इंग्लिश दिखना बंद हो जाएगा, फिर आपके लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब जो ये तीनों है वो तीनों का टाइम बटा हुआ है, और ये तीन ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी है वो इंग्लिश का 30 है और बाकी ये दोनों 35-35 है। ये हमारा IBPS पैटर्न है। जो एग्जाम IBPS में देते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है, जो नहीं भी देते हैं उनको भी पता है, और जिनको कुछ नहीं पता है तो उनके लिए मैंने ये बता दिया कि IBPS पैटर्न है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि SSC पैटर्न क्या है। ये देखिए, SSC पैटर्न में क्या होता है, चार सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो जिसमें 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस उसका भी 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एपिट्यूड इसका भी 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन उसका भी 25 क्वेश्चन। और जो टोटल मार्क्स होते हैं सभी दो दो नंबर के होते हैं, तो वो 50-50 नंबर के हो गए, और जो टोटल मार्क्स हमारा हो गया वो 200 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन और 200 नंबर। और इसकी एक और बड़ी खासियत है कि इसका जो टाइमिंग है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग चारों सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं है, बल्कि ये जो टोटल मिला के वो हमें 60 मिनट्स दिया हुआ है। मतलब ये 60 मिनट्स में हमें ये 100 क्वेश्चन करने हैं। अब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा समय दें या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ज़्यादा समय दें या इंग्लिश में ज़्यादा समय दें, ये आपको जो करने का मन है आप करें। इसमें आपको कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 20-20 मिनट तीनों में देना है या आपको किस में कम देना है, किस में ज़्यादा देना है। तो ये हमारा SSC पैटर्न हो गया। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस लगा, इसमें चार सब्जेक्ट थे उसमें तीन ही सब्जेक्ट थे, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो टाइमिंग है वो तीनों का या चारों का अलग अलग टाइमिंग नहीं है, ये टोटल टाइम आपको 60 मिनट दिया हुआ है, और वहाँ क्या था कि तीनों जो सब्जेक्ट थे उसके अलग अलग टाइमिंग थे। अब हमारा जो UDC ESIC में जो UDC का जो फॉर्म निकला है, एडवर्टीजमेंट निकला है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, आइए देखते हैं। उसमें ये दे रखा है कि एग्ज़ाम का पैटर्न यही है जो SSC से एकदम मिलता जुलता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। और एकदम SSC जैसा ही है कि 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से आएंगे, और सभी का जो मार्क्स टोटल होगा वो 50-50 होगा। और यहाँ भी जो सबसे बड़ी बात है कि जो टाइमिंग है, यहाँ भी जो टाइमिंग है वो 60 मिनट्स दिया हुआ है, मतलब 60 मिनट्स टोटल के लिए, पूरे 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ अलग अलग नहीं बटा हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस के लिए 20 मिनट देना है या किसके लिए कितना देना है, मतलब टोटल टाइमिंग आपको एक घंटे का है, जो SSC पैटर्न से एकदम मेल खाता है। लेकिन लोगों का कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, लोगों का कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है वो IBPS ले रही है। और ये सही बात है कि कन्फ्यूज़न होना भी चाहिए कि IBPS जहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो अपने पैटर्न पर करवाती है।
मतलब जो बैंकिंग का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर वो एग्जाम लेती है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो एसएससी पैटर्न पर भी होगा। इसके दो कारण हैं कि आज तक के ईएसआईसी यूडीसी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे एसएससी पैटर्न पर हुए हैं। इस बार भी जो निकला है फॉर्म और जो एडवर्टीजमेंट में जो पैटर्न दिया हुआ है वो एसएससी से मिलता जुलता पैटर्न है। तो उम्मीद ये लगाया जा सकता है, 100% तो नहीं कहा जा सकता है कि ये इसी पैटर्न पे होगा, एसएससी पैटर्न पे ही होगा, लेकिन उम्मीद यही किया जा सकता है कि ये एसएससी पैटर्न पर होगा और हमारी तैयारी एसएससी पैटर्न पे ही करनी चाहिए। हमें तैयारी जो है एसएससी पैटर्न पे करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये एग्ज़ाम आईबीपीएस ले रहा है इसलिए हमें बैंकिंग को भी ध्यान में रखना है। तो मैथ्स जो थोड़ा बैंकिंग का भी जो हम लोग सीखते हैं उसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। जो जीएस हम लोग पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें बैंकिंग के भी जो रिलेटेड थोड़े जो क्वेश्चन होते हैं जैसे रिवर्स रेपो, रेपो रेट, ये सब जो होता है वो सब भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। और करंट अफेयर्स तो आजकल एसएससी में भी ज़्यादा करंट अफेयर्स आने लगा है और बैंकिंग में भी करंट अफेयर्स आता है। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब मिक्स करके हमें पढ़ना है, लेकिन जैसा कि मुझे अनुमान है कि ये जो एग्ज़ाम है वो एसएससी पैटर्न पर होने वाला है। हालांकि ये 100% सच नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कोई जानकारी दी गई है, और जैसे ही जानकारी आप मुझे मिलेगी या कहीं से भी उपलब्ध होगी मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। तो मेरा मानना है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो एसएससी पैटर्न पर होगा। तो अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सिर्फ यही नहीं सोचते रहना चाहिए कि ये बैंकिंग पैटर्न पे होगा या एसएससी पैटर्न पे होगा, बैंकिंग पैटर्न पे होगा या एसएससी पैटर्न पे होगा, ये सोचते नहीं रहना है हमें और सिर्फ पूछते नहीं रहना है, बल्कि हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी जो करेगा वही पास होगा, सिर्फ सोचने वाले सोचते ही रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एवं एक शेयर जरूर करें, तो हम दोस्तों को भी ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।